हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए, हमने बहुत ही हैवी ड्रेस बनाई हुई है। जब हम गोपाल जी को पहनाएंगे तो ये हिस्सा ऐसे पीछे से आएगा और फिर ये यहाँ से किनारे से लटकेगा। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। आप जन्माष्टमी पे गोपाल जी के लिए इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है। हमने इसके साथ ये चोली बनाई है। हमने चोली बहुत ही सिंपल बनाई है क्योंकि जन्माष्टमी पे सभी लोग अपने गोपाल जी को थोड़ी हैवी ज्वेलरी पहनाते हैं, तो अगर बहुत हैवी चोली करेंगे तो उनकी ज्वेलरी उतनी अच्छे से खिल के नहीं आती है। हमने ये ड्रेस इस मेज़रमेंट चार्ट की हेल्प से बनाई है। यहाँ पे देखिए, हमने 0 से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी का मेज़रमेंट दिया हुआ है। आप ये ड्रेस 0 से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आराम से बना सकते हैं। इस मेज़रमेंट चार्ट की क्लियर फोटो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी गाइस। अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लें। और जैसे जैसे ये ड्रेस का साइज आप बढ़ाते जाएं, वैसे वैसे इस लेस को भी चौड़ी करते जाएं, तो आपकी ड्रेस बहुत अच्छे से खुल के आएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 2 डायमीटर कट किया हुआ है 7-7 इंच का। आज हम 1 नंबर के काना की ड्रेस बना रहे हैं। देखिए, हमें 7 इंच का डायमीटर चाहिए। यहाँ पे सभी के लिए मेजरमेंट है, आप इस हिसाब से कट कर लें। हमने यहाँ देखिए एक वेलवेट का फैब्रिक लिया है रेड, ये हमारा मेन फैब्रिक है। और ये हमने अस्तर के लिए लिया है, हमारे पास प्लेन फैब्रिक नहीं था इसलिए हमने चंदेरी ले लिया है। आपके पास जो भी फैब्रिक हो आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि हम बकरम नहीं यूज कर रहे हैं। अगर आप बकरम यूज कर रहे हैं तो रेड फैब्रिक को बकरम के ऊपर पेस्ट करें और साइड साइड से लेस लगा लें। ये वेलवेट का फैब्रिक है तो इसके साइड से खुलने के चांसेस नहीं होते हैं, और जब आप पेस्ट कर देंगे तो ये एकदम ही नहीं खुलेगा। हम यहाँ पे बकरम नहीं यूज कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है। हमने देखिए यहाँ पे ये रेड वेलवेट फैब्रिक ले लिया है और ये चंदेरी है। अब इन दोनों को हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ राउंड में एक बार सिलाई लगा लेंगे। हम यहाँ पे 0.25 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। हमने यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। हमें यहाँ से एक कट लगाना है ऐसे करके। कट लगाने के बाद हम इसे फोल्ड करके पलट देंगे, ऐसे करके हमें पलट लेना है। ये देखिए पलट गया। अब हम इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ से पूरे राउंड पे एक सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ से लगा लेंगे, जिससे हमारा ये दोनों फैब्रिक एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाए। तो चलिए हम इतना काम कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर मार्क लगाएंगे यहाँ पे कमर का। ऐसे करके ये देखिए हमने मार्क लगा लिया है यहाँ से ये राउंड में। अब हम इसके ऊपर एक बार सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट करके निकाल देंगे। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ पे देखिए 1.25 इंच चौड़ी और इसकी लंबाई हमें इसके हिसाब से लेनी है। ये देखिए, इधर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और इधर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब हम इसे ऐसे डबल करके फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड लगाना है। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, फिर दिखाएंगे कि आपको कैसे करना है। ये देखिए, हमने सिल दिया है एक साइड, तो हमने लगा भी दिया है। इस साइड हम दिखाते हैं कि आपको कैसे लगाना है। अब क्या करेंगे, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। और जब हम यहाँ से फोल्ड कर लें तो इसे ऐसे पीछे फोल्ड कर देंगे। ये बहुत ही फिनिशिंग से आएगा। ये देखिए, ऐसे करने के बाद हम यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम इधर से भी लगा के कंप्लीट करते हैं इसे। देखिए, हमने यहाँ से इसे लगा लिया है। अब हम इस सर्कल पर लगाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर्कल पर उनकी पाइपिंग नहीं लगती है, तो देखिए आपको कैसे लगानी है। हमने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। अगर हम इसे इधर से खींचते हैं तो ये देखिए एकदम खींच नहीं रहा है। अगर हम इसे इधर या इधर से खींच रहे हैं तो ये देखिए स्ट्रेचेबल है। तो जहाँ से भी स्ट्रेचेबल होता है वहीं से हमें इसमें से पट्टियाँ कट करनी होती हैं। हमने यहाँ पे देखिए बहुत चौड़ी पट्टी नहीं कट की है, सिर्फ 1 इंच की पट्टी कट की है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद ऐसे करके हम पूरे राउंड पे सिल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करने के बाद हम इस पूरे फैब्रिक को ऐसे पीछे फोल्ड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लगाया था सेम हमें वही करना है। ये देखिए, बहुत अच्छी सी पाइपिंग बनती चली जाएगी। ये देखिए,
अब हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ से इसे लगा के कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही फिनिशिंग से आ गया है। अब हमने यहाँ पे देखिए ये बुकरम का पीस लिया हुआ है, इसकी लंबाई 7 इंच और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। इसका मेजरमेंट आप सभी साइज के लिए कैसे लेंगे देखिए, डायमीटर हमने 7 इंच रखा है तो हमने इसकी लंबाई 7 इंच रख ली है, और अगर हम 7 इंच का आधा करते हैं तो 3.5 इंच हो जाएगा, तो हमने इसकी चौड़ाई 3.5 इंच रख ली है। ऐसे करके आपको सभी नंबर में करना है, जितना भी आप डायमीटर रखते हैं उतनी इसकी लंबाई रख लें और डायमीटर की हाफ करके इसकी चौड़ाई रख लें। इसमें से हम 2 पीस कट करके निकालेंगे। हमारे पास देखिए चौड़ी बुकरम नहीं थी, इसलिए हमने ऐसी पतली बुकरम को स्टिच कर लिया है और इसे चौड़ा कर लिया है। अगर आपके पास भी ना हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास है तो उसमें आप मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लें। अब देखिए हम इसके ऊपर मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने से पहले हमें इसे आधे आधे में डिवाइड करना होगा, तो चलिए हम इसे आधे में डिवाइड करते हैं। अब देखिए हमें पहले 3.5 इंच का आधा करना होगा। यहाँ से ये देखिए ये 3.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस स्टेप को। ये हमारा आ जाता है 1.75 इंच, तो हम ऐसे 1.75 इंच पे मार्क लगा देंगे। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। अब देखिए हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे, तो ये हम 1.75 इंच का अगर हाफ करते हैं तो ये हमारा जाता है 0.75 इंच से थोड़ा सा कम ही आ रहा है। यहाँ पे ऐसे एक मार्क कर लेंगे और सेम मेजरमेंट पे हम यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। इधर से भी हमें मिला लेना है। हमने देखिए जो मार्क लगाया था उसे थोड़ा सा दूर पे मिलाया है इसे। अब हमने जो ब्लैक वाला मार्क लगाया है इसे हम कट करके निकालेंगे। ये हमारा कट हो गया है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमें इसे ऐसे तैयार करना है। यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर के फैब्रिक को पेस्ट करके देखिए यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है चारों साइड से, और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने रिबन से प्लेट डाल ली है। हमने बहुत ही घनी प्लेट डाली हुई है ये देखिए। अब इसके ऊपर हम ये ऑरेंज लेस लगाएंगे, इसे जीरो लेस भी बोलते हैं। यहाँ से हमें ऐसे करके लगाना है यहाँ तक, यहाँ लगा लें, फिर देखिए इसे हम यहाँ से लगा लेंगे एक बार, और जब हम यहाँ से लगा लें तो इसके ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। ये हमारे पास ये गोल्डन कलर में लेस है। ये देखिए ऐसे करके हमें लगाना है इधर से इधर, और इस साइड भी देखिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पे हम एक बूटी लगा लेंगे। हमने देखिए इस लेस में से कट करके लगाया है इसे, यहाँ से कट करके एक लगा लेंगे। हमने इसे सुई धागे की हेल्प से सिला हुआ है ये देखिए। तो चलिए हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमें इसके ऊपर ऐसे लगाना है, और यहाँ से हम ये एक बटन लगाएंगे। ये गोल्डन कलर में हमारे पास बटन थी तो हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। अब देखिए इसके ऊपर हमें ऐसे बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ से ऐसे मान लीजिए एक बुकरम का पीस लिया, और उसके ऊपर ऑरेंज फैब्रिक को ऐसे लगाया। ये देखिए यहाँ तक बुकरम आ रहा है, और उसके बाद हमने यहाँ से सिलाई लगा दी। देखिए इसमें भी यहाँ तक है बुकरम, तो हमने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 0.75 इंच रखी है, इसे हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक लेस लगा देंगे। ये देखिए इसकी लंबाई आपको ऐसे लेनी है, ये इतना इतना निकला रहेगा। अभी ये यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, ऐसे फोल्ड हो जाएगा ये। ये देखिए इतना लंबा रहना चाहिए आपका। तो चलिए हम इसके ऊपर कुछ लेसेस लगा लेते हैं। हमने यहाँ देखिए इसके ऊपर सब कुछ सिल लिया है। पहले हमने इन दोनों को अटैच किया, इन दोनों को अटैच करने के बाद हमने इसे अटैच किया, फिर हमने सुई धागे की हेल्प से दोनों बटन यहाँ पे लगा ली, और एक एक बटन हमने यहाँ पे लगा लिया।
हमने ये एक बूटी लगाई है यहाँ पे, इसे भी हमने सुई धागे की हेल्प से ही लगाया है और इसे भी हमने सुई धागे की हेल्प से लगाया है। इसे हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगाएंगे। तो अभी हटा देते हैं इसे, पहले हम इसे बनाना देखेंगे हमने इसे कैसे बनाया है। तो हम इसे इस लटकन की हेल्प से बनाएंगे और हमारे पास यहाँ पे पिंक मोती है, हमारे पास रेड मोती नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे पिंक ले ली। अगर आपके पास रेड है तो आप रेड ले लें। हमने देखिए इसमें से बस इसे और एक गोल्डन मोती और इसे यूज़ किया हुआ है। तो चलिए हम इसे कट करते हैं। यहाँ से हमें लगाना है। पहले हमें यहाँ से अच्छे से टक कर लेना है। अब हम देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे लगाया है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे 5 पिंक मोती डाली है। फिर हमने यहाँ पे एक गोल्डन डाली है, फिर इसे डाल लेंगे। और लास्ट में हम एक पिंक मोती डाल लेंगे। अब देखिए हमें इसे बाहर आ जाना है, हमें इन दोनों में से भी निकल आना है, ये देखिए ऐसे करके। अब हम फिर 5 पिंक मोती डाल लेंगे। अब देखिए हमें इसे वापस आ जाना है। फिर ये हो गया। अगर आपको सिर्फ एक ड्रेस बनानी हो तो आप ऐसे ही लटकन ले आके यूज कर सकते हैं, चाहे तो गोपाल जी के पटके के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, आपको 30 या 35 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगी। और इसके अंदर अगर एक लटकन आप कट करते हैं तो उसके अंदर आपको हर तरह की मोती मिल जाएगी और आपको ज़्यादा मोती की ज़रूरत भी नहीं है, एक दो मोती की ज़रूरत होती है। तो आप इसे यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छा है। ये हमारा यहाँ से लग गया है। अब हम इसे चिपका लेंगे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो चलिए हम इसे चिपका लेते हैं। अब देखिए चोली के लिए हमें यहाँ पे 8 इंच लंबा और 10 पर 6 इंच चौड़ा फैब्रिक चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखिए तैयार कर लिया है। हमने रिबन को डबल फोल्ड करके सिल दिया और उसके ऊपर एक लेस लगा ली है पतली सी, ये देखिए ये 0.6 इंच चौड़ा है। अब हम इसे बीच से कट करके अलग करेंगे। हमें यहाँ से ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखना है और इतने दूर तक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे चोली बना के कंप्लीट कर ली है, ये देखिए ये ऐसे पीछे चला जाएगा, इधर से ये पीछे चला जाएगा और जब ये पीछे जाएगा तो आपको ऐसे यहाँ से बांध लेना है। ये ऐसे करके आ जाएगा। आप चाहें तो इसे ज्वाइंट भी कर सकते हैं इसके साथ, बस ऐसे करके यहाँ से फ्रंट से लगा दें। यहाँ पे आपको सिल लेना है, फिर जैसे हमने पहनाया था वैसे ही ये ऐसे पीछे चला जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। फिर डोरी से आप बांध दें और बांधने के बाद डोरी को घेर के अंदर कर दें। ये बहुत अच्छे से फिट आएगी कान्हा जी को। ये चौड़ाई वाली सारी मेजरमेंट हमने यहाँ पे पॉइंट पे दी हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक करें। वहाँ पे मैंने पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और यहाँ पे हमने जो डायमीटर कट किया हुआ है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे भी चेक करें कि हम कैसे डायमीटर कट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।